हाय इस वीडियो में हम समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो जो इवॉल्यूशन है वो स्टार्ट होता है 1887 से जब विल्सन अपना ऐसे लिखते द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसको मेनली पब्लिश करते इन द पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली के अंदर तो उसके बाद शुरू होता है इवॉल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बिफोर दैट हम कुछ एंशियन रूट और मॉडर्न एरा में किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था कहाँ से हमें दिखाई देता है ये सभी चीज़ें हम पहले जान लेते हैं तो देखिए एनशियन एरा में हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क जो है हमें महाभारत में दिखाई देता है जो कि लिखा गया बाय द the वेद व्यास देन रामायण जो कि लिखा गया वाल्मीकि द्वारा इसमें भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई देता है देन अर्थशास्त्र रिटर्न बाय द कौटिल्या इसमें साइंस ऑफ वेल्थ उसके बाद साइंस ऑफ गवर्नमेंट की बातें बताई गई है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है और बताया गया है देन फिलासॉफी रिटर्न बाय कन्फेसेस द्वारा जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन की बातें की गई है जैसे कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस हो गया रिनूमरेशन मेथड हो गया ट्रेनिंग हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किंग हो गया इस टाइप से बातें हमें एनशियन एरा में दिखाई देती है तो उसके बाद जैसे हमें पता है जो ग्रेट पिरामिड है कहाँ में कहाँ पे ये ये इजिप्ट में तो ये इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर मेनली बनाया गया है तो ये पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ़ द मैनेजमेंट एंड थाउजेंड्स मैनेजमेंट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर तो जो ग्रेट पिरामिड बन पाया है एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ़ द मैनेजमेंट ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ वर्कर जिस तरह से हजारों वर्कर को मैनेज करते हुए इस पिरामिड को बनाया गया तो इससे हमें समझ में आता है कि एंशियन टाइम में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था तो क्योंकि देखिए ग्रेट पिरामिड बनाया तो इसके अंदर फाइनेंस हो गया स्किल हो गया रिसोर्सेस हो गया अलग अलग टाइप के ये सभी इन्वॉल्व थे इसमें तब जाके ये ग्रेट पिरामिड बन पाया है इजिप्शियन सिविलाइजेशन के अंदर में तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि उस समय भी जो मैनेजमेंट था थाउजेंड्स ऑफ वर्कर का या बोल सकते मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज स्किल फाइनेंस सबका ओके काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है इस ग्रेट पिरामिड को बनाने के लिए उसके बाद इंडिया की बात करें तो जो कुंभ मेला जो ऑर्गेनाइज होता है जो मैनेज होता है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दी ओनली दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वजह से इस तरह का जो बड़े बड़े मेला हो गया जैसे कुंभ मेला हो गया जिसमें हजारों लोग आते हैं लाखों लोग आते हैं ओके तो इस तरह से इन सभी लोगों को मैनेज करने के लिए हमें मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो ये हमें एनशियन टाइम्स ही दिखाई दे रहा है देन प्लाटो और एरिस्टेटोल इन्होंने डिस्क्राइब किया अलग अलग स्टाइल एडमिनिस्ट्रेशन की उसके बाद जो मेकॉली है इन्होंने अपनी किताब में द प्रिंसेस इसके अंदर मेनली पब्लिक सर्वेंट का किस तरह से कंडक्ट होना चाहिए किस तरह से उसके कैरेक्टर होने चाहिए कैरेक्टर एंड कंडक्ट इसके बारे में डिटेल में इस किताब के अंदर द प्रिंस मेकॉली ने बताया देन मॉन्टेस्क्यू वेरी इंपॉर्टेंट इन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो मेनली गाइडेड किए जाते हैं बाय द रेगुलेशन तो इसके बारे में इन्होंने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉ में बताया और इन्होंने ये भी डिस्टिंग्विश किया कि एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स ये दोनों क्या है अलग अलग है उसके बाद जो नाइनटीन सेंचुरी में जो एक लीडिंग कंट्री थी फ्रांस जिसने मेनली इम्पोर्टेंस बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है तो ये था ये था मेनली एनशियन एरा जिसमें हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क दिखाई देता है अब हम बात करेंगे मॉडर्न एरा की देखिए जब 1887 में विल्सन अपना ऐसे लिखते हैं द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तो इसके बाद जो टूल से अलग अलग टेक्निक से मेथड है वोकेबलरी से ये सभी ग्रो होना शुरू हो जाता है क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ठीक है स्कॉलर के बीच में एकेडमिशन के बीच में प्रैक्टिशनर के बीच में ओके तो इसीलिए यहाँ पे अलग अलग टूल्स टेक्निक मेथड वोकेबलरी ये सभी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर द ए ऑफ द स्टडी ए ऑफ द विल्सन दैट इज द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देन जो निकोलस जो नोटेबल स्कॉलर है जो मेनली अपना योगदान दिए फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनमें कौन है निकोलस हेनरी है रॉबर्ट टी गोल्फ विस्की है देन फेडरिकसन ये स्कॉलर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते इन द इवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो देखिए उसमें रॉबर्ट टी गोल्फ विस्की तो इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने के लिए मेनली फाइव पैराडाइम बताया है जो हम आगे पढ़ेंगे देखिए इसमें जो फाइव पैराडाइम है इसका जो मेन कंक्लूजन है वो लोकस और फोकस के साथ है मतलब ये कि लोकस का मतलब क्या होता है इंस्टीट्यूशनल लॉ इसका मतलब ये हो गया कि लोकेशन होना चाहिए किसी भी मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो जिस तरह से डेवलप हुआ है तो उसमें किस तरह से उसको एक लोकेशन मिली है और उसका क्या फोकस रहा है इस मीन्स स्पेशलाइजेशन इट मीन्स फंक्शन क्या है उसका और ये कहाँ से बिलोंग करता है इंस्टीट्यूशनल लॉ बोल सकते हैं और ये क्या है फोकस मतलब होता है फ़ंक्शन एल का मतलब होता है लोकस लोकस का मतलब होता है लोकेशन तो लोकेशन कहाँ पे मतलब किसी भी चीज़ का ओके okay, उसकी जड़ कहाँ से और उसका उसके बाद उसकी फंक्शन क्या है तो ये हमें मेनली लोकस और फोकस के जरिए हमें पता चलता है लोकस फॉर द लोकेशन एंड एफ फोकस फ़ॉर द फंक्शन तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो फाइव पैराडाइम बताइए इस रॉबर्ट टी गोल्फ विस्की के द्वारा ये हम आगे पढ़ेंगे और इसमें मेनली लोकस और फोकस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है ये जो फाइव पैराडाइम बताए गए रॉबर्ट के द्वारा इसको बारो किया गया बाय द निकोलस हेनरी ने किस लिए बारो किया टू एक्सप्लेन द इवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवेल्यूएशन एक्सप्लेन करने के लिए निकोलस हेनरी ने बारो किया दिस फाइव पैराडाइम जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे इन डिटेल ठीक है अभी देखिए हम जो इवॉल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसको हम फाइव फेजेस के अंदर देख लेंगे देखिए पीरियड नंबर वन इसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटोमी बताई गई है डाकोटोमी का मतलब ये होता है सेपरेशन पॉलिटिक्स अलग है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग है अब ये किस तरह से अलग है इसको हम देखेंगे और ये पीरियड होता है एटीन एटी सेवन टू नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स देन होता है पीरियड नंबर टू दैट इज़ अ सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स तो इस इस पीरियड में क्या होता है अलग अलग प्रिंसिपल्स आते हैं जो मेनली बताते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किस तरह से मतलब किस प्रिंसिपल के बेस पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील किया जाएगा और ये पीरियड होता है 1927 टू 1937 तो इसमें अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल्स आते हैं देन पीरियड नंबर थ्री दैट इज़ ह्यूमैनिस्टिक चैलेंजेस एक्चुअली ये जो पीरियड आता है ह्यूमैनिस्टिक चैलेंजेस ये मेनली क्रिटिसाइज करता है ये जो पीरियड नंबर टू था जिसमें प्रिंसिपल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया था पर ह्यूमैन के ऊपर कोई भी इसमें बात नहीं की गई थी इसीलिए जो पीरियड नंबर थ्री आता है ये क्या करता है इसको चैलेंज करता है इसको क्रिटिसाइज़ करता है पीरियड नंबर थ्री को और बताता है कि ह्यूमेनिस्टिक मतलब जो ह्यूमैन रिलेशन अप्रोच है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो ये पीरियड होता है फ्रॉम नाइनटीन टू नाइनटीन देन पीरियड नंबर फोर आता है तो लोकस ओके okay, मेनली ये किस ऊपर फोकस करता है जो पीरियड नंबर फोर है ये फ़ोकस करता है जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ इंटर स्टडी के साथ लिंक करता है मतलब हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग डिसिप्लिन के साथ हमें स्टडी करना है तो ये इस पीरियड में शुरू हो जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग सब्जेक्ट के साथ स्टडी किया जाता है तो ये पीरियड होता है 1948 एट टू नाइन नाइनटीन देन पीरियड नंबर फाइव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक नया चेहरा खुद का चेहरा दिखाई देता है इट मीनस वॉट यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद सामने आता है और इसका खुद का एज अ खुद डिसिप्लिन बन के एक सामने आता है तो इसी को न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा गया और ये पीरियड होता है नाइनटीन सेवेंटी वन टू नाइनटीन एटीज देन पीरियड नंबर सिक्स एक पैराडाइम शिफ्ट होता है जो कि हम आगे देखेंगे नाइनटीन एटीज़ के बाद तो इस तरह से मेनली हम इवॉल्यूशन ओके okay, किस तरह से होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एज अ डिसिप्लिन ओके एज अ डिसिप्लिन किस तरह से इसका इवॉल्यूशन होता है ये हम सिक्स फेजेस के अंदर अभी समझेंगे देखिए सबसे पहला जो पीरियड है दैट इज द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी तो ये पीरियड होता है 1887 एटी सेवन टू नाइनटीन जब एटीन में विल्सन अपना ऐसे लिखते द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और इसको पब्लिश करते पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में तब से मेनली वो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बताया गया है क्योंकि जो विल्सन है वही पहले फर्स्ट है जिन्होंने मेनली बताया कि जो पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है तो इन्होंने ये भी बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एक डिस्टिंक सब्जेक्ट है और इसके अंदर हमें कंटिन्यू स्टडी और रिसर्च करने की ज़रूरत है ये बोल रहे विल्सन और विल्सन ने यह भी कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है एक्चुअली डिटेल एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ है तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये है? क्या है डिटेल और सिस्टमैटिक क्या एग्जीक्यूशन ऑफ पब्लिक लॉ जो पब्लिक लॉ का एग्जीक्यूशन है वो मेनली डिटेल और सिस्टमैटिक वे से होना चाहिए इसकी स्टडी करना है हमें और इसके ऊपर रिसर्च करना है और यही मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये विल्सन कहते हैं देन देखिए इन्होंने डाइकोटोमी की बात की थी विल्सन ने और इन्होंने ये पहले थे जिन्होंने मेनली डकोटोमी बताया सेपरेशन बताया पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्या है सेपरेट है तो अब देखिए इन्होंने ये बताया कि पॉलिटिक्स मेनली रिलेट करता है स्टेट्स मैन से जो कि इनका काम होता है पॉलिसी फॉर्मूलेशन एंड जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है ये होता है टेक्निकल ऑफिसर्स तो जिनका जो काम होता है वो होता है एग्जीक्यूशन तो इस तरह से इन्होंने जो विल्सन विल्सन ने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग बताया मतलब पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में डायकोटोमी बताया और इसको ऑन द बेसिस ऑफ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे इन्होंने मेनली पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को सेपरेट बताया है तो अभी हम समझेंगे इनको कौन कौन सपोर्ट करते हैं ये जो विल्सन के व्यू है जो विल्सन ने मेनली डोटोमी की बात की है इसको कौन कौन सपोर्ट करता है तो सबसे पहले नाम आता है फ्रैंक जे गुड का ये सपोर्ट करते हैं विल्सन के व्यू को और ये भी बोलते हैं कि पॉलिटिक्स मेनली क्या है फार्मूलेशन ऑफ पॉलिसीज है और एडमिनिस्ट्रेशन है एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज इन्होंने क्या बताया फंक्शनली और इंस्टीट्यूशनली दोनों डिफरेंट है पॉलिटिक्स डिफरेंट है और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है और इन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया 1900 के अंदर दैट इज़ द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन तो इस तरह से फ्रैंक जे गुडनाव भी क्या करते विल्सन के व्यू को सपोर्ट करते हैं उसके बाद और कौन सपोर्ट करता है लेन ऑफ डी वाइट सपोर्ट करते हैं ओके और ये 1926 में अपना किताब लिखते हैं एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये एक फर्स्ट टेक्स्ट बुक होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जिसने डिटेल स्टडी किया होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तो ये कौन लिखते हैं लेन ऑफ डी वाइट लिखते वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको स्टार लगा दीजिए दिस इज वेरी मच एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ठीक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो 1926 में एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखते एनऑट डिवाइड और, और ये फर्स्ट टेक्स्ट बुक हो जाता है ऑन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मेनली जो उस समय के जो पीरियड उस समय का जो टाइम था उसकी थीम बताई गई है किस तरह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन ओके okay? अपने okay? अपने ओके अपने अपने काम में लगे होते और ये किस तरह से अलग अलग होते देन अभी हमने समझा पीरियड वन जो मेनली डायकोटोमी की बात कर रहा था पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग बता रहा था और इसको मेनली पहले बताया किसने विल्सन ने बताया और इस फिर इसको सपोर्ट किया गया बाय टू स्कॉलर जिनके नाम हमने जान लिया अब बात आता है पीरियड नंबर टू दैट इज सर्च फॉर यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स और ये पीरियड होता है नाइनटीन टू नाइनटीन इसको प्रिंसिपल एरा बोला जाता है अब देखिए प्रिंसिपल एरा इसको इसलिए बोला जाता है कि इस समय जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अलग अलग प्रिंसिपल्स हमें दिखाई देते हैं बहुत सारे स्कॉलर हैं जिन्होंने अलग अलग पब्लिक पब्लिकेशन लिखा है जो हमें अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स हमें उनके किताबों से पता चलते हैं देखिए ये जो पीरियड होता है ये ऑर्थोडॉक्सी का पीरियड होता है इसमें मेनली जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें से ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में से जो पब्लिक है पब्लिक इसको ड्रॉप किया जाता है इट मीन्स वॉट मेनली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ज्यादा फोकस दिया जाता है पब्लिक के ऊपर बहुत कम फोकस दिया जाता है क्योंकि ये प्रिंसिपल एरा है यहाँ पे सिर्फ किस तरह से एंटरप्राइज मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएगा किस तरह से हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे सो so दैट जो एंटरप्राइजेस है वो ज़्यादा से ज्यादा प्रॉफिट गेन करेगा ये ऑर्थोडॉक्सी का समय था इसमें रूढ़िवादी समय मतलब रूढ़िवादी लोग थे उस समय तो ये पीरियड काफी ज्यादा प्रिंसिपल इसमें बहुत ज्यादा प्रिंसिपल सामने आते हैं जैसे कि जो मेन मेन पब्लिकेशन है जो हम अभी देखेंगे देखिए पहला है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो लिखा गया ओके okay, विलोबी द्वारा देन क्रिएटिव एक्सपीरियंस मैरी पार्कर फेलेट इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट बाय हेनरी फायल प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मूरे एंड रिले पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुलिक एंड उर्विक ये मेनली अलग अलग प्रिंसिपल्स हमें इस पीरियड के भी अंदर दिखाई देता है थ्रू दिस ऑल पब्लिकेशन तो यहाँ पे जो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है रूल ऑफ थंब से और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को क्या बता रहे हैं यहाँ पे भी अलग बता रहे डाइकोटोमी बताए दिस इज बेस्ड ऑन द साइटिज्म और ये जो पिछले वीडियो में जो मतलब मेनली पीरियड वन में जो हमने देखा था कि जो विल्सन ने बताया था कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से अलग है दैट इज बेस्ड ऑन दी मेनली लीगल कॉन्स्टिट्यूशन अब देखिए इस पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है इस पीरियड को गोल्डन एरा कहा जाता है पीरियड नंबर टू को क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग अलग टेक्निक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अलग अलग प्रिंसिपल्स अलग अलग टेक्निक यहाँ पे हमें दिखाई देती है इस पीरियड में 1927 टू 1937 जैसे कि हेनरी फॉयल ने पोस्ट कार्ड ओके ये व्यू दिया है इसमें इसका फुल फॉर्म होता है प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग रिपोर्टिंग एंड बजटिंग तो इस तरह से ये जो पोस्ट कार्ड है ये भी एक टाइप का एक टूल से फॉर द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तो इस तरह से अलग अलग हमें टूल्स इस पीरियड के अंदर प्रिंसिपल्स दिखाई देते हैं अब बात करते हैं हम पीरियड नंबर थ्री की जिसमें ह्यूमैनिस्टिक चैलेंजेस इस पीरियड में हमें दिखाई देते नाइनटीन थर्टी एट टू नाइनटीन फोर्टी सेवन ये पीरियड का टाइम है इसके अंदर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को फोकस किया गया है और ये एल्टन मायो ने अपने हथोर्ड एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताने की कोशिश किया है क्योंकि यहाँ पे मशीन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया दिया गया था इस पीरियड मतलब इस पीरियड में नहीं इसके पिछले पीरियड में पीरियड नंबर टू में इसलिए यहाँ पे इसके लिमिटेशन बताते हैं मशीन और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिमिटेशन बताता है इस पीरियड मतलब इस पीरियड में पीरियड नंबर थ्री में और ये फ़ोकस करता है सबसे ज़्यादा ये पीरियड नंबर थ्री फोकस करता है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के ऊपर जो बोलता है कि हमें वर्क सिचुएशन में लेके आना है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मतलब किसी भी एंटरप्राइजेस में अगर हम ह्यूमन साइट को ह्यूमन साइट को अगर देखें तो उससे क्या हो जाएगा मेनली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी जिस तरह से हमें मशीन हो गया या साइंटिफिक मैनेजमेंट हो गया या टूल्स टेक्निक्स हो गया जिस तरह से इम्पोर्टेंट है उसी तरह से ह्यूमन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी एडमिनिस्ट्रेशन तो किसी भी कंपनी किसी भी एंटरप्राइजेस में अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को भी ध्यान में रखना पड़ेगा ये कहा गया है बाय द एल्टन मायो ने अपने दिस मतलब जो चार एक्सपेरिमेंट बताए थे हॉथौन एक्सपेरिमेंट उससे उससे इन्होंने बताने की कोशिश किया है अब बात करते हैं हम पीरियड नंबर फोर्थ की जो मेनली फोकस करता है इंटर डिसिमलिटी सब्जेक्ट तो 1948 टू तो 1970 का ये पीरियड है जिसमें साइमन और बर्नार्ड के जो भी वर्क है उसको बिहेवियरल स्टडी कहा गया है और इन्होंने ह्यूमन मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी किया है जिसमें एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इन सब की स्टडी होती है इस स्टडी इस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर में एंथ्रोपोलॉजी साइकोलॉजी ओके एंथ्रोपोलॉजी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी इनकी भी स्टडी होती है इट मीनस वाट इंटर डिसिप्लिनरी स्टडी है ये अलग अलग सब्जेक्ट स्टडी कर रहे ह्यूमन बिहेवियर को और इस ह्यूमन स्टडी को ही बोला गया है ह्यूमन साइंस तो इस तरह से ये जो पीरियड है मेनली फोकस करता था अलग अलग डिसिप्लिनरी किस तरह से मतलब एक साथ मिलके किसी भी टॉपिक की स्टडी करने में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं और 1938 में फिर इसके बाद आता है द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव ये लिखा गया चेस्टर बर्नार्ड द्वारा तो ये जो फंक्शन ऑफ़ एग्जीक्यूटिव जो किताब है ये जो चेस्टर बर्नार्ड द्वारा लिखा हुआ है इसमें भी इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी की बात होती है मतलब दो सब्जेक्ट की बात हो रही है मतलब इंटर डिसिप्लिनरी बात हो रही है यहाँ पे देन द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम अभी हम देखेंगे कि इसमें इस किताब में जो इस किताब को लिखा गया बाय द रॉबर्ट दहल ने तो इसमें जो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें यह बताया गया मतलब ये पूरा किताब का नाम है द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्री प्रॉब्लम तो ये जो तीन प्रॉब्लम है ये मेनली किसके प्रॉब्लम है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम है जो उसको साइंस बनने से रोक रहे हैं मेनली तो इवाल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस तो ये तीन प्रॉब्लम कौन से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में है जो उसको इवॉल्व होने में एज अ साइंस इवॉल्व होने में इसको बाधा डाल रही है तो ये रॉबर्ट दहल ने बताया अभी हम समझेंगे इस तीनों प्रॉब्लम को सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग नॉर्मेटिव कंसिड्रेशन तो जो नॉर्मेटिव कंसिड्रेशन है इसको एक्सक्लूड करना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्योंकि नॉर्मेटिव कॉन्सिड्रेशन का मतलब ये होता है रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड इनको नहीं निकाला जा सकता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से इसीलिए ये क्या हो रहा है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस हमें दिखाई नहीं दे रहा है तो इस तरह से ये पहला प्रॉब्लम हो गया दूसरा प्रॉब्लम है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सक्लूडिंग ह्यूमन एलिमेंट तो ह्यूमन एलिमेंट को भी एक्सक्लूड करना निकालना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी काफ़ी मुश्किल है तो ह्यूमन एलिमेंट में सोशल एंड साइकोलॉजिकल चीज़ें आती है देन जो थर्ड प्रॉब्लम है दैट इज़ अ नैरो हिस्टोरिकल एक्सप्रेस जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो हिस्टोरिकल एक्सप्रेंस है वो बहुत नैरो है बहुत छोटा है तो हमें इसके अंदर क्रॉस कल्चर क्रॉस नेशनल की स्टडी करना पड़ेगा अलग अलग कल्चर की अलग अलग देशों की स्टडी करना पड़ेगा देन ओनली वी कैन मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस अब बात करते हैं पीरियड नंबर फिफ्थ दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मींस अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ये पीरियड होता है नाइनटीन सेवेंटी वन टू नाइनटीन एटीज है लेट नाइनटीन सिक्सटीज में क्या होता है अमेरिकन स्कॉलर एक जगह गैदर्ड होते हैं मतलब मेनली मुन्नो रुक जगह का नाम है यहाँ पे ये गैदर्ड होते अमेरिकन के स्कॉलर फिर इसको लीड करता है मेनली ड्विट वॉल्डो इसको लीड करते और ये क्या करते हैं ये जो स्कॉलर एक जगह पे मतलब ये मुन्नो रुक में जो गैदर्ड हुए जो जमा हो गए जिसको लीड कर रहे ड्विट वर्ल्ड हो ये क्रिटिकली रिव्यू करते जो भी इन्वायरमेंट के साथ जिस तरह से गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए उसको स्टडी करते ये कि किस तरह से गवर्नमेंट होना चाहिए आज जिस तरह से चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ़ लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि उससे गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रहा है और क्या करने की ज़रूरत है इसको क्रिटिकली रिव्यू करते और इसी को बोला गया मुन्ना कॉन्फ्रेंस वन जो कि हुआ था सेप्टेम्बर नाइनटीन के अंदर में और इसको दो किताबों में इसका जो भी मतलब फीडबैक है जो भी इसमें हुआ था उसको लिखा गया है जैसे पहला किताब फ्रैंक मरीनी द्वारा लिखा हुआ टूअर्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम ऑफ टर्बुलेंस ये ड्विट वाल्डो द्वारा लिखा गया और ये दोनों पब्लिश होते हैं नाइनटीन के अंदर में मेनली ये मुन्नरु कॉन्फ्रेंस वन हुआ था उसके बारे में ये किताबें बताई गई है अब देखिए हम बात करते हैं पीरियड नंबर सिक्स दैट इज़ पैराडाइम शिफ्ट नाइनटीन सेवनटीज़ एंड नाइनटीन एटीज़ ऑनवर्ड किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या बन जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट बन जाता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस रीजन दैट इज़ द न्यू राइट फिलोसॉफी पब्लिक चॉइस अप्रोच क्रिटिकल थेरी ब्लैक्स बर्ग मैनिफेस्टो न्यू लिबरल फ़िलासॉफी एंड न्यू कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मेनली वजह है जो जो बॉन्ड मतलब जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट को इसका ओरिजिन करते हैं तो ये जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है ये प्रैक्टिकल अप्लीकेशन है न्यू राइट फिलोसॉफी का क्रिटिकल थेरी का पब्लिक चॉइस अप्रोच का अब हम समझते हैं क्रिटिकल थेरी क्या है मेनली देखिए क्रिटिट क्रिटिकल थेरी इसको एलैबोरेट किया गया जर्मन की एक स्कूल है फ्रैंक स्कूल ऑफ थेरीज तो इसने इसको इलेबोरेट किया और इसको प्रोपोर्ट किया है प्रोपोर्ट मतलब इसको बताया गया है लोगों को बाय द जॉर्गन हैबर्समस एंड क्ल्यूक ऑफ ही दौरा देखिए ये जो क्रिटिकल थेरी है मेनली ये क्रिटिसाइज करती है वेबेरियन पैराडाइम को मतलब वेबेरियन पैराडाइम मतलब जो मैक्स वेबर ने बताया ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया ब्यूरोक्रेसी इट मींस एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन में ब्यूरोक्रेसी काम करती है तो ये वेबेरियन पैराडाइम के अंदर क्या है टॉप डाउन अप्रोच है रिजिट मैकेनिज्म है रेस्ट्रिक्टेड अप्रोच है इस वेबेरियन पैराडाइम के अंदर तो क्रिटिकल थेरी इसको क्रिटिसाइज़ करते हुए अपना अप्रोच बताती है कि हमें ह्यूमेनाइजेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए डेमोक्रेटाइजेशन की ध्यान देना चाहिए हमें फ्री फ्लो कम्युनिकेशन रखना चाहिए डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए तो इसका जो फोकस गोल होता है वो होता है थेरी का गोल होता है अब हम समझतेफी right और जो न्यू पब्लिक अप्रोच है ये मेनली किस चीज के बारे में बताते हैं ये स्मॉल स्टेट और मार्केटाइजेशन के बारे में बताते अब हम इन दोनों को मतलब न्यू राइट फिलोसॉफी और न्यू पब्लिक जो न्यू सॉरी पब्लिक चॉइस अप्रोच है इसको क्रिटिसाइज करते हैं और अपना एक अलग से व्यू लेकर आते है ब्लैक बर्ग मैनिफेस्टो के अंदर में और एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये दोनों सामने आते आफ्टर दिस न्यू राइट फिलोसॉफी एंड पब्लिक चॉइस अप्रोच के बाद ये कॉन्ट्रेडिक है मेनली ये कॉन्ट्रेडिक है इसके न्यू मतलब ये ब्लैक् वर्क मैनिफेस्टो और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकंड ये कॉन्ट्रेडिक है न्यू न्यू राइट फिलोसॉफी और पब्लिक चॉइस अप्रोच के इसके अंदर में मतलब ये ब्लैक् वर्क मैनिफेस्टो के अंदर में डिफाइन किया गया है रोल्स रोल्स एंड स्टेटस ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द चेंजिंग करंट इन्वायरमेंट जो जिस तरह से इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो रहा है तो इसका क्या रोल होना चाहिए इसका क्या स्टेटस है फिलहाल ये सभी बताता है ये ब्लैक बॉक्स मैनीफेस्टो और ये बोलता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये एक फोर्थ ऑर्गन है इसको ऑटोनॉमसली काम करने देना चाहिए मतलब इसको पॉलिटिशन जिस तरह से अपना असिस्टम बना के बैठे है उस हिसाब से नहीं इसको इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस तरीके से काम करने देना चाहिए इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और इसको सिर्फ ऑब्लिगेशन मतलब इसको सिर्फ ऑब्लिगेशन मानना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का और ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के ही रूल रेगुलेशन पे चलेगा ना कि किसी और के ओके तो इसीलिए इस इसके अंदर ये जो जो ब्लैक्स बस मैनिफेस्टो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अब बात करते हूँ कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये मेनली साइंस लेके आने की कोशिश कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में क्यों क्योंकि इसमें कंपेयर किया जा रहा है ओके okay? रिसर्च किया जा रहा है इसमें क्योंकि अलग 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 कंट्री का अलग अलग कल्चर का अलग अलग स्टेट का हमें एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है हमें फिर उसके बाद क्या करना है उसको जो उसके पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतरीन बनाने के लिए उसमें लगाना है तो इस तरह से इंक्लूड करता है सुपरा नेशनल सुपरा नेशनल का मतलब जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया ओके okay? देन वर्ल्ड बैंक इस टाइप से सुपरा नेशनल सब नेशनल एंड क्रॉस नेशनल तो ये सभी को मेनली हमें इनको स्टडी करना है उसके बाद हमें एक्चुअली जो स्टडी है एडमिनिस्ट्रेशन को कंपेरेटिव स्टडी करना है कंपेयर करते हुए पढ़ना है हमें क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या निगेटिव है इस तरह से कंपेयर करना है और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमें डेवलप करना है अब बात करते हैं नाइनटीन में जो वर्ल्ड बैंक ने कहा था तो इन्होंने कहा कि जो ग्रोथ है कंट्री की ये नॉट कैरिंग ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सोसाइटी के जो सारे सेक्शन है वो कंट्री की ग्रोथ नहीं कर रहे क्यों ये इन्होंने क्यों बोला क्योंकि जो न्यू लिबरल पैराडाइम अप्रोच आया था इसमें मेनली प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था और इससे जो जिससे क्या हो रहा था इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो गई थी नाइनटीन नाइन्टी वन के अंदर में इसलिए ये बोल रहे वर्ल्ड बैंक बोल रहा है कि जो ग्रोथ हो रहा है कंट्री का ये सभी सेक्शन के जो मतलब सोसाइटी के जो सारे सेक्शन है वो नहीं कर रहे ग्रोथ ओके okay, कुछ ही लोग मतलब मेनली प्राइवेटाइजेशन प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस है वो ग्रोथ कर रही है तो इसीलिए इसको न्यू लिबरल पैराडाइम अप्रोच बोला गया है इस फेज़ को ओके okay? मतलब ये जो बता रहा है कि हमें किस टाइप वर्ल्ड बैंक जो बोल रहा है कि हमारे देश के अंदर हमें न्यू लिबरल पैराडाइम अप्रोच रखना चाहिए क्योंकि प्रायर टू नाइनटीन क्या क्या हो रहा था मेनली लाइसेंस परमिट राज चल रहा था जिसके वजह से जो इकोनॉमी है काफ़ी स्लो चल रही थी फिर जैसे 1991 में एल आता है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है तो जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है तो हमें अगर सस्टेनेबल ग्रोथ करना है तो हमें न्यू लिबरल पैराडाइम अप्रोच को अपनाना पड़ेगा लिबरल का मतलब ये होता है जहाँ पे मार्केट जो है लिबरल हो मतलब मिनिमम मिनिमम रूल रेगुलेशन हो जो स्टेट है या गवर्नमेंट है उसका मिनिमम इंटरफेस रहे मार्केट के अंदर में तो दैट इज़ द लिबरल ओके इस तरह से जो वर्ल्ड बैंक है ये भी हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने की बात करता है तो इस तरह से हमने अलग अलग फेजेस में अलग अलग पीरियड में मेनली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट के बारे में देखा है और किस तरह से एट लास्ट नाइनटीन के बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया डिसिप्लिन न्यू डिसिप्लिन बन के सामने आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे पैराडाइम ऑफ निकोलस हेनरी तो इन्होंने भी किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन हुआ है डेवलपमेंट हुआ है इसकी बातें की है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ओके सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो ओके बाय बाय